नमस्कार मित्रों, कल से कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पूर्व एक महत्वपूर्ण चीज़ कि ज्ञान और अग्नि अगर आपके पास है तो इसके ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने इनके ऊपर नियंत्रण नहीं रखा तो निश्चित रूप से ज्ञान और अग्नि आपको नष्ट कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि डूपॉन्ट, विलियम हैरिस जो थे, एंड्रू मेलॉन थे, हैरी एसलिंगर थे, इन लोगों ने मिलके षड्यंत्र किया था भांग के पौधे के विरोध में। इन्होंने ये षड्यंत्र क्यों किया? भांग के पौधे को पूरी धरती से नष्ट करने का जो प्रयास हुआ यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से, ये क्यों हुआ? इसके लिए हमें अमेरिका के इतिहास को समझना पड़ेगा और उनकी मानसिकता को समझना पड़ेगा। हमने स्कूल में पढ़ा था कि अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1942 में करी थी। जब अमेरिका की खोज हुई तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने यही समझा था कि उसने भारतवर्ष की खोज की है। सवाल उठता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भारतवर्ष की खोज करने क्यों निकला था? अगर आप यूरोप के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो यूरोप के नक्शे में आप पाएंगे कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो अधिकतर क्रिश्चियन कंट्रीज़ के द्वारा डोमिनेटेड है, जैसे कि फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, डेनमार्क हो गए, नॉर्वे हो गए। तो ऊपर वाला पोर्शन जो है क्रिश्चियन कंट्रीज़ के द्वारा डोमिनेटेड है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो इस्लामिक कंट्रीज़ के द्वारा डोमिनेटेड है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, यमन, सऊदी अरेबिया, ये यूरोप के नीचे वाले पोर्शन में आपको दिखाई देंगे। इसका क्या असर पड़ा? इसका ये असर पड़ा, जो सिल्क रूट होता था भारतवर्ष और चीन से जो कपड़े और मसाले यूरोपीय कंट्रीज़ को जाया करते थे, वो कपड़े अब और मसाले जो हैं वो यूरोपीय कंट्रीज़ में क्रिश्चियन कंट्रीज़ को मिलने बंद हो गए थे। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, जो पोप होता था क्रिश्चियन कंट्रीज़ का यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वो अपने जो क्रिश्चियंस राजा थे और क्रिश्चियंस नागरिक थे उनको प्रेरित करते रहते थे कि वो यरूशलम पे कब्जा करें। तो यरूशलम को लेके क्रिश्चियंस और इस्लामिक जो देश थे उनके मध्य लगभग 400 सालों तक युद्ध चलता रहा, जिसे हम क्रूसेड के नाम से जाते हैं। क्रूसेड की वजह से इस्लामिक कंट्रीज़ और क्रिश्चियन कंट्रीज़ के मध्य में एक तनाव हमेशा से रहता था, और जो सिल्क रूट के माध्यम से भारतवर्ष और चीन से जो कपड़ा और व्यापार हुआ करता था, मसालों का व्यापार हुआ करता था, वो व्यापार जो है यूरोप में क्रिश्चियन कंट्रीज़ तक नहीं पहुंच पाता था, जिसकी वजह से उनको भारत के लिए समुद्र का रास्ता ढूंढने की ज़रूरत पड़ गई। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो पुर्तगाल के रहने वाले थे, उन्होंने पुर्तगाल के राजा को बोला कि मैं भारत की खोज समुद्र के रास्ते से, यानी धरती गोल है, मैं समुद्र में जाऊंगा, गोल धरती पे घूमता घूमता मैं भारतवर्ष में पहुंच जाऊंगा। क्रिस्टोफर कोलंबस अपने साथ 3 जहाज़ों को लेके निकले थे, पुर्तगाल के राजा ने उनको मना कर दिया था, तो स्पेन के राजा ने उन्हें 3 जहाज़ और कुछ कैदी दिए। तो ये क्रिस्टोफर कोलंबस इन 3 जहाज़ों में कैदियों को लेके भारतवर्ष की खोज करने को निकले, लेकिन 12 अक्टूबर 1942 को वो अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में भी वेस्ट इंडीज़ के किसी द्वीप पे पहुंचे थे, उसके बाद उनको फिर अमेरिका मिला। अमेरिका से मतलब मेरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं है, अमेरिका से मेरा मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से है। जब उन लोगों को ये देश मिले, क्रिस्टोफर कोलंबस को जब ये देश मिले, तो इसको उपनिवेश बनाने के लिए, इस नए महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका पे कब्जा करने के लिए स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड ये वहाँ पे पहुँच गए। इन लोगों ने, इन यूरोपीय देशों ने वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए। 1776 में जब अमेरिका कहता है कि उसने स्वतंत्रता हासिल की, तो उसने स्वतंत्रता किसी दूसरे देश के विरोध में हासिल नहीं करी। अमेरिका ने स्वतंत्रता जो हासिल करी वो अपने ही देश के विरुद्ध में की। जैसे कि अगर इसको ऐसे समझे कि कोई भारतीय अंडमान निकोबार में जाता है और बोलता है कि अब मैं भारतवर्ष से एक स्वतंत्र देश हूँ, भारतवर्ष का नागरिक नहीं हूँ, तो वो वैसा ही अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने अपने देश के विरोध में ही, यानी कि इंग्लैंड के विरोध में ही स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो अमेरिका ने जब अपनी स्वतंत्रता घोषित की तो उस वक्त अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, और ये सारे के सारे उपनिवेश जो थे वो उस वक्त ब्रिटेन के कब्जे में थे, जिसे ब्रिटेन ने अन्य यूरोपीय देशों को हराकर जीत लिया था। तो ये 13 के 13 उपनिवेश अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित थे, और जितना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज दिखाई देता है उससे बहुत ही कम क्षेत्रफल था।
तो उस वक्त जब अमेरिका का झंडा बना था, उस वक्त अमेरिका के झंडे में ये 13 उपनिवेश थे, तो 13 स्टार्स थे। आज जो अमेरिका का झंडा है उसके अंदर 50 के आसपास 50 स्टार्स हैं। उन 1777 में अमेरिका का पहला झंडा बना था, और अमेरिका ने जो स्वतंत्रता हासिल की थी 1776 में हासिल की थी। तो 1777 में जब उनका पहला झंडा बना था तो उस पर 13 ही तारे थे। आज उनके जो झंडा है उसके ऊपर 50 तारे हैं। जो आखिरी तारा है वो 1960 में जुड़ा था, जब अमेरिका का जो 50वां राज्य है हवाई, वो अमेरिका के साथ जुड़ा, तब फिर एक 50वां राज्य बना। तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ था उस वक्त अमेरिका में केवल 13 राज्य थे, और आज जो है अमेरिका में 50 राज्य हो गए हैं। इन्होंने धीरे धीरे करके बाकी राज्यों पे कब्जा कर लिया। तो इतिहास जो है वो सफल राष्ट्र जो है वो हमेशा इतिहास लिखते हैं। विजयी लोग हमेशा इतिहास लिखते हैं, और अमेरिका का इतिहास भी इससे अछूता नहीं है। अगर भारत से तुलना करें तो भारत 1000 वर्षों के विदेशी आक्रांताओं के शासन के बाद भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने में सफल हुआ। अमेरिका में लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने 1776 में जो स्वतंत्रता पाई थी वो वहाँ के मूल निवासियों ने नहीं पाई थी, अपितु यूरोप से जो यूरोपियंस गए थे और अमेरिका में सेटल हो गए थे, उन्होंने ही अपने देश के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था और अपने देश से ही स्वतंत्रता पाई थी। यानी कि यूरोप के जो गोरे लोग आए थे उन्होंने अमेरिका के संसाधनों पर कब्जा किया और मूल निवासियों को मार के अपने ही देश के विरुद्ध स्वतंत्रता घोषित करी। अब अमेरिका को स्वतंत्रता तो मिल गई, इस देश के पास धन और गन की शक्ति तो थी पर कोई संस्कृति नहीं थी। तो 1776 में के बाद से अमेरिका इसी संस्कृति को बनाने का प्रयास करता है। अगर आप अमेरिकन इतिहास को पढ़ेंगे, जैसे अगर आप भारत का इतिहास को पढ़ेंगे तो वो 5000 साल 6000 साल वेदों से शुरू होता है, हड़प्पा की संस्कृति आती है, फिर राज्यों की मध्यकालीन भारत आता है, फिर मॉडर्न भारत की इतिहास पढ़ाया जाता है। तो भारत का इतिहास लगभग 7 से 10 हज़ार साल पुराना है, लेकिन अमेरिका का इतिहास जो है 1776 के बाद से बनना शुरू हुआ। अगर आप विकिपीडिया में अमेरिका के इतिहास को देखेंगे तो उसको इस प्रकार के कालखंड में बांधा गया है। प्रथम महान जागरण 1730 से लेके 1740, अमेरिका का इतिहास बता रहा हूँ मैं आपको। तो अमेरिका के इतिहास में जो पहला जो घटक गिना जाता है वो है प्रथम महान जागरण 1730 से लेके 1740 तक। इसको प्रथम महान जागरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईसाई मिशनरी लोगों ने वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको ईसाइयत की महानता के पाठ पढ़ाए, और जो पाठ पढ़ने में अक्षम रहे, जिन्होंने पाठ पढ़ने से इनकार कर दिया, उन्हें उनके ईश्वर के पास भेज दिया गया। फिर दूसरा समय जो है अमेरिकी इतिहास कालखंड में आता है वो आता है अमेरिकन क्रांति, जब उसको स्वतंत्रता मिलती। उसको 1775 से लेकर 1783 तक के कालखंड को कहते हैं। इसमें यूरोपीय देशों से जो व्यापारी और अपराधी धन और एक बेहतर जीवन की खोज के लिए अमेरिका में आए थे, उन्होंने अपने देश के विरुद्ध ही हथियार उठा लिए और ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। तीसरा जो कालखंड इन्होंने निर्धारित किया है वो है द्वितीय महान जागरण। ये 1800 से लेके 1840 तक का था। तो प्रथम महान जागरण में तो कैथोलिक ईसाई के जो प्रचार था उसके ऊपर जोर था, द्वितीय महान जागरण में प्रोटेस्टेंट ईसाई बनाने पे जोर रहा, क्योंकि यूरोपीय देशों से अलग अमेरिका को अपनी एक पहचान सिद्ध करनी जरूरी थी। उसके बाद का जो कालखंड है वो भाग्य का घोषणा पत्र है, 1812 से लेके 1860 के बीच का। तो अमेरिका का जो आज का क्षेत्रफल है वो जो है लगभग 91,47,420 वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन जो अमेरिका 1776 में जब स्वतंत्र हुआ था तो उसके मुकाबले में उसका क्षेत्रफल बहुत ही कम था, और उत्तर अमेरिका के केवल पूर्वी तट तक सीमित था। अमेरिका के लोग अन्य लोगों से इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं क्योंकि वो समझते थे कि पूरे उत्तर अमेरिका पे उनको राज्य करने का अधिकार है। इसे उन्होंने भाग्य का घोषणा पत्र कहा, जो कि 1812 से लेके 1860 तक का कालखंड था। फिर 1840 से लेके 1875 का कालखंड को वो गुलामों की शक्ति कहते हैं। अमेरिका में सत्ता पे उसका अधिकार रहा जिसके पास अधिक गुलाम थे। मैं 1840 की बात कर रहा हूँ, जिनके पास अधिक गुलाम थे उनकी शक्ति का समय जो है वो 1840 से लेकर 1875 के समय को उन्होंने गुलामों की शक्ति का समय बताया है। और जो अमेरिका के धनी पश्चिम राज्य थे और उनके जो व्यापारी थे और जिनके पास अधिक गुलाम थे, तो
सत्ता पे उनका कब्जा रहा। फिर अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ 1861 से लेकर 1865 तक। तो केंद्रीय सत्ता से कुछ अमेरिकी राज्य, जैसे आज अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो उनमें से कुछ राज्य जो है केंद्रीय सत्ता से अलग होने का प्रयास करने लगे। फिर उसके बाद के कालखंड को प्रथम लाल डर के नाम से ये संबोधित करते हैं, जो 1970 से लेके 1920 के आसपास का था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 1917 में रूस के अंदर क्रांति हुई थी और रूस में कम्युनिस्टों ने कब्जा कर लिया था या कम्युनिस्टों का राज आ गया था। तो रूस में जो साम्यवादी थे उन पे सत्ता, उन्होंने जब सत्ता पे कब्जा कर लिया तो अमेरिका में भी एक डर का माहौल बन गया था कि कहीं अमेरिका में लाल क्रांति ना आ जाए। तो इसे प्रथम लाल डर के नाम से संबोधित किया गया। उसके बाद अमेरिका में शराबबंदी हुई 1919 से 1933 के बीच में। तो पूंजीवादियों में साम्यवादियों से जो डर लग रहा था, यानी पूंजीवादियों को जो साम्यवादी से जो डर लगता था, उसने इस युग की शुरुआत की। तो अमेरिका में जो आम जनता थी उनको ये भय दिखाने का कोशिश किया गया कि जो रूस के साम्यवादी हैं वो अमेरिका की युवा पीढ़ी को शराब और अन्य नशे के द्वारा बर्बाद करने का प्रयास कर सकते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है मारीहुआना, यानी कि भांग, कैनबिस, गांजा, इसका वो लोग उपयोग करने का प्रयास कर सकते हैं। मारीहुआना ही क्यों और शराब क्यों नहीं? तो जो हमारा ये जो कथानक की जो सीरीज चल रही है कि अमेरिका में किस प्रकार से भांग को प्रतिबंधित किया था, वो इसी डर का परिणाम था। 1917 में जब रूस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति के पश्चात अमेरिका के जो सत्ताधीश थे, अमेरिका में जिन लोगों का सत्ता पे नियंत्रण था, उन लोगों को ये लगा कि रूस की जो स्पाई एजेंसी है KGB, वो अमेरिका के युवाओं को भांग के नशे के द्वारा बर्बाद करना चाह रहे हैं। भांग के नशे से क्यों और शराब के नशे से क्यों नहीं, इसके ऊपर मंथन करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो यूरोपीय लोग अब अमेरिका में शासनाधीश बन चुके हैं, उनको भांग के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम था, और भांग के बारे में जो उनको मालूम पड़ने का स्रोत था वो इस प्रकार से था कि जब अमेरिका में यूरोपीय जो बिजनेसमैन आए थे, यूरोपीय जो अपराधी आए थे, उन्होंने जो बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, उनके पास जब वो यूरोप में थे तो मुश्किल से थोड़ी छोड़ी जमीनों के टुकड़े रहा करते थे, ये मान लीजिए 1 एकड़ 2 एकड़ के आसपास रहे होंगे। परंतु जब वो अमेरिका में आए तो उनको लाखों एकड़ जमीन मिल गई जो उनके नियंत्रण में थी, और इस जमीन पे खेती करवाने के लिए वो शिप्स में भर भर के अफ्रीका से गुलामों को लेके आते थे। आज अमेरिका में जो वाइट और ब्लैक के बीच में जो तनाव दिखाई देता है, जो लड़ाइयों की परिस्थितियां दिखाई देती हैं, विद्वेष दिखाई देता है गोरों और कालों के बीच में, ब्लैक और वाइट के बीच में जो वहाँ पे लड़ाई चलती है, वो इन्हीं गुलामों को जो अफ्रीका से भर के लेके आए थे बोटों में, उनके बीच का और जो गोरे लोग थे उनके बीच का टसन है। तो जो गुलाम खेतों में काम करने के लिए लाए गए थे, जो अमेरिका में गन्ने के जो उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए थे उनमें काम करने के लिए जो काले लोग आए थे, वो अपने साथ भांग लेके आए थे, और ये भांग को अपने शब्दों में मारी जुआना कहते थे। तो अमेरिका में जो पहला प्रतिबंध लगा वो टैक्स, मारीहुआना टैक्स के नाम से पहला प्रतिबंध लगा भांग के ऊपर। इसे कहा जाता है मारीहुआना टैक्स, जो अमेरिका ने अपने यहाँ 1937 में लगाया। तो प्रतिबंधित भांग को प्रतिबंधित करने की जो कहानी शुरू हो गई थी वो इस प्रकार से शुरू थी। पहला जो भांग के ऊपर प्रतिबंध लगा वो 1937 में मारिहुआना टैक्स के नाम से लगा था। आगे की कहानी अगले वाले एपिसोड में सुनाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।